नमस्कार साथियों, मेरा नाम है लक्ष्मण सियोल। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5, टेक्सचर को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि टेक्सचर के 2 लेक्चर और होंगे। इग्नियस में अगर तुम्हें अगर कुछ भी किसी रॉक को आइडेंटिफाई करना है, उसके टेक्सचर के बारे में तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए कि टेक्सचर होता क्या है। ठीक है, तो हम लेक्चर नंबर 5 चालू करते हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन क्रिस्टल एंड नॉन क्रिस्टलाइन मैटर। अब तुमको पता है कि जो रॉक होती है वो या तो सारे के सारे क्रिस्टल से मिलकर बनी हुई होती है, या फिर उसके अंदर ग्लासी मटेरियल भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम रिलेशन पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप शेप एंड फैब्रिक द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिस्टल और उसके बारे में, तो क्रिस्टल को उसके रिलेशन के हिसाब से 2 भागों में बांट दिया है हमने। तो पहला हो गया इक्वी ग्रेनुलर टेक्सचर, जिसका जिसकी ग्रेन साइज इक्वल है, तो इक्वी ग्रेनुलर टेक्सचर। और दूसरा हो गया इन इक्वी ग्रेनुलर टेक्सचर, जिसकी ग्रेन साइज इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं इक्वी ग्रेनुलर टेक्सचर। इक्वी ग्रेनुलर टेक्सचर देखो, इसको हमने फर्दर बांटा हुआ है इसको याद कराने के लिए। इक्वी ग्रेनुलर टेक्सचर को माइक्रो ग्रेनाइट, ग्रेनेटिक, ऑर्थो पायरेटिक और फेल्सिक नाम दे दिया है, और इसमें पोरफायरेटिक, पोरक्लिटिक और इंटरग्रेनुलर टेक्सचर है, वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, एक एक पढ़ते हैं। अब पहला है इक्वी ग्रेनुलर टेक्सचर, जिसकी ग्रेन साइज इक्वल है। व्हेन द मेजरली ग्रेन साइज इज इक्वल, जब मेजरली ग्रेन साइज सबकी इक्वल हो, इज सेड टू हैव इक्वी ग्रेनुलर टेक्सचर, इसको इक्वी ग्रेनुलर टेक्सचर कहेंगे। जैसे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट इसमें सारे के सारे ग्रेन है वो सब हेड्रल टाइप के होते हैं, सब हेड्रल टाइप के होते हैं, लेकिन उनकी साइज है लगभग वो एक टाइप की होती है। इट कैन बी डिवाइडेड इंटू सब 3 ग्रुप, ये 3 भागों में बांटे जा सकते हैं। पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया ऑर्थोफायरेटिक, इसको पेंडियोमॉर्फिक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी समझते हैं हम। इफ द ग्रेन साइज रॉक आर मोस्टली यूहेड्रल, अगर पूरी जो अभी हमने पहले पढ़ा था, अगर सारे के सारे ग्रेन साइज यूहेड्रल होंगे तो उसको हम कहेंगे ऑर्थोफायरेटिक। तो हमने ये पढ़ा था सबके ग्रेन साइज अच्छे डेवलप हुए हुए हैं, यूहेड्रल है, सारे अच्छे डेवलप है, पूरे डेवलप है, तो इसको पेंडियोमॉर्फिक टेक्सचर भी बोल दिया, इसी को पेंडियोमॉर्फिक टेक्सचर बोल दिया। फिर आ गया माइक्रो ग्रेनेटिक टाइप का टेक्सचर, इसको हाइपीडियोमॉर्फिक टेक्सचर कहते हैं। क्यों कहते हैं आइए पता करते हैं। इट इज ओके इन फाइन ग्रेन रॉक, फाइन ग्रेन में मिलता है, वेयर शेप ऑफ ग्रेन आर मोस्टली एंड हेड्रल। तुमको पता था फर्स्ट तरीके का रॉक है पेंडियोमॉर्फिक टेक्सचर, लैम्प्रोफायर बना था, लैम्प्रोफायर बना था, सारे के सारे ग्रेन यूहेड्रल थे, अच्छे ग्रेन थे। माइक्रो ग्रेनाइट है तो सारे के सारे ग्रेन है सब हेड्रल होंगे, तो वो सब हेड्रल है, तो वो माइक्रो ग्रेनाइट का एग्जांपल था, तो उसको माइक्रो ग्रेनाइटिक या हाइपीडियोमॉर्फिक कहेंगे, क्योंकि इसका ग्रेन साइज आधा डेवलप था, हाफ डेवलप था, तो हाफ के चक्कर में इसको हाइपीडियोमॉर्फिक हमने इसका नाम दे दिया। फिर है फेल्सिटिक टाइप का ग्रेन या फिर उसका टेक्सचर, तो वो क्या होता है, ये ऑलोट्रायोमॉर्फिक टाइप का होता है। क्यों होता है आइए पता करते हैं। ये वेरी फाइन ग्रेन रॉक है, वेरी फाइन ग्रेन रॉक है, तो फाइन ग्रेन रॉक है और वो माइक्रो क्रिस्टलाइन है या क्रिप्टो क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन नहीं दिखता। किसी किसी किताब में ये जो ग्रेनुलर है वो उसको 3 की जगह 6 भागों में बांटा गया है। तुम 6 भागों में बांट सकते हो, जैसे पहला हो गया ऑर्थोफायरेटिक हो गया, दूसरा हो गया माइक्रो ग्रेनेटिक हो गया, तीसरा हो गया फेल्सिटिक टाइप का हो गया। इसको फर्दर अगर बांटना है तो चौथे का नाम पेंडियोमॉर्फिक दे देना, फिर पांचवे का नाम हाइपीडियोमॉर्फिक दे देना, और छठे का नाम ऑलोट्रायोमॉर्फिक दे देना। गुण सबके एक ही है, ऑर्थोफायरेटिक और पेंडियोमॉर्फिक में सारे के सारे ग्रेनर यूहेड्रल टाइप के होंगे, माइक्रो ग्रेनेट और हाइपीडियोमॉर्फिक में सारे के सारे ग्रेन है वो सब हेड्रल होंगे या एनहेड्रल मिक्स टाइप के होंगे। और फेल्सिक है और ऑलोट्रायोमॉर्फिक है, उसमें ग्रेन साइज होगा तो या तो माइक्रो क्रिस्टलाइन होगा या क्रिप्टो क्रिस्टलाइन होगा, ग्रेन साइज डेवलप होगा ही नहीं, ग्लासी मटेरियल बन जाएगा। जैसी जैसी किताब वैसा वैसा लोगों ने इसको डिस्क्राइब कर दिया, मैंने दोनों को साथ में ही कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया इसकी ग्रेन साइज। फिर है इन इक्वी ग्रेनुलर टेक्सचर, ये हमने पढ़े, इसमें ग्रेनर जो पहला था वो सारे के सारे ग्रेन यूहेड्रल थे, लेकिन सारे के सारे यूहेड्रल थे।
दूसरा माइक्रोग्रेनाइट में सारे के सारे थे तो एनहेड्रल थे, और फेल्सिक में थे सॉरी सब हेड्रल थे और इसमें एनहेड्रल थे। लेकिन जब हम बात करें इन इक्विग्रेनुलर टेक्सचर की तो इसमें खेल हो जाता है अलग ही। क्या खेल होता है? खेला हम पढ़ते हैं इन इग्नियस रॉक, किसमें? क्योंकि हम इग्नियस ही पढ़ रहे हैं तो इन इन इग्नियस रॉक। इफ ग्रेन साइज डिफरेंट बिटवीन नोटिशेबल दैट कैन वन सेट ऑफ ग्रेन डिस्टिंक्ट लार्ज, एक कुछ कुछ है डिस्टिंक्टली नोटिस हो रहा है कि कुछ ग्रेन तो बड़े हैं और कुछ ग्रेन है छोटे हैं, तो उसको कहेंगे इन इक्विग्रेनुलर टेक्सचर। जैसे हमने कोई ये रॉक सैंपल देखा या उसकी स्लाइड देखी, कुछ ग्रेन है तो वो तो है बड़े, बढ़िया है बड़े, और कुछ ग्रेन है वो है छोटे, तो ग्रेन साइज अलग हो गई तो वो इन इक्विग्रेनुलर टेक्सचर में आ गया। इसमें भी वेरिएशन हो गई। क्या वेरिएशन हो गई पढ़ते हैं। पहले वाले को कहते हैं पोर्फिरिटिक टेक्सचर, ठीक है। देखो मैंने हिंदी इसलिए लिखी, हिंदी मीडियम वाले कहते हैं क्योंकि ज्यादातर हिंदी मीडियम क्या वो कहते हैं हिंदी लाओ, लेकिन इसको पोर्फिरिटिक तुमको याद रहेगा लेकिन ये याद नहीं का। दीर्घ क्रिस्टल अंतर्वेशन गठन कहते हैं, बहुत टफ वर्ड है, याद ही नहीं रहेगा, तो इसको कहते हैं पोर्फिरिटिक ग्रेनाइट, सॉरी पोर्फिरिटिक टेक्सचर। फिर हो जाएगा पॉलीक्लिटिक टेक्सचर, और तीसरा हो गया इंटर ग्रेनुलर टेक्सचर। तो तीन तरीके के इसमें ये हो गए। इट इज यूजुअली मार्क्ड बाय द डिफरेंट इन ग्रेन साइज ऑफ रॉक, ग्रेन साइज अलग अलग है जो मैंने बता दिया, बट द वेरिएशन लार्ज टू स्मॉल। अगर लार्ज टू स्मॉल हो गया, किसी में बड़े से छोटे एकदम सिस्टमेटिक बनते हैं, तो उसको कहेंगे सेरिएटिक टेक्सचर कहेंगे, सेरिएटिक टेक्सचर कहेंगे। यदि बड़े से छोटे भिन्नता वाले व्यवस्थित क्रमिक है ना गठन है तो उसको सेरिएटिक टेक्सचर कहेंगे। वेरिएशन लार्ज टू स्मॉल है लेकिन क्रिस्टल बिल्कुल अच्छे है, क्रमिक है, ग्रेडुअली है, तो उसको ये इन ग्रेनुलर टेक्सचर में आएगा। अब हम एक एक पढ़ते हैं। पहला इक्विग्रेनुलर टेक्सचर में है वो है पोर्फिटिक टेक्सचर। तो पोर्फिटिक टेक्सचर क्या होता है? लार्ज ग्रेन आर सराउंडेड बाय द ग्राउंड मास और स्मॉल ग्रेन, जो भी मैंने फोटो बनाया था वो सेम का सेम। देखो फोटो आगे इसमें आ जाएगा, मैं भगा देता हूं। हाँ, लार्ज ग्रेन है सराउंडेड बाय, लार्ज ग्रेन सराउंडेड बाय स्मॉल ग्रेन, ये बड़े बड़े ग्रेन है वो छोटे छोटे ग्रेनों से घेरे हुए रहते हैं, तो इस तरीके के ग्रेन होती है उसको पोर्फिरिटिक टेक्सचर कहते हैं। ये हैंडी स्पेसिमेन है जिसमें वाइट है वो फिनोक्रिस्ट है, ठीक है, इन दी पिंकिश ग्राउंड ग्राउंड मास के अंदर। ये इसका माइक्रोस्कोपिक टेक्सचर है जिसमें पेल्जियोक्लेस है वो एक एक फिनोक्रिस्ट है, जो बड़ा ग्रेन होता है उसको फिनोक्रिस्ट कहते हैं, और ग्राउंड मास के अंदर है पेल्जियोक्लेस के ग्राउंड मास में ऑगाइट और ये ग्लासी मटेरियल के अंदर ये और ये बना हुआ है। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं कि इसमें और क्या चीज हो सकती है। जो लार्ज क्रिस्टल होता है उसको फिनोक्रिस्ट कहते हैं, लार्ज क्रिस्टल को फिनोक्रिस्ट कहते हैं। दिस टेक्सचर इज विजिबल बोथ मेगास्कोपिकली, मतलब उसको हैंड स्पेसिमेन में देखेंगे ना तब भी अपन को दिख जाएगा कि कुछ तो ग्रेन बड़े हैं कुछ ग्रेन छोटे हैं, तो वो हो गया मेगास्कोपिकली, और हो गया माइक्रोस्कोपिकली। माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ग्रेन बड़े दिखेंगे और वो घिरे हुए दिखेंगे छोटे छोटे ग्रेन से, तो उस तरीके के है उसको पोर्फिटिक टेक्सचर कहते हैं। रिजल्ट इन चेंज इन फिजियोकेमिकल कंडीशन, जब फिजियोकेमिकल कंडीशन चेंज हो जाती है, मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन अलग ज्यादा हो जाता है या इनसॉल्युबिलिटी है, इन चक्कर में ये टेक्सचर बनते हैं। उसका रिजल्ट का कारण है, तीन कारण है, चेंज इन फिजियोकेमिकल कंडीशन, कंडीशन भौतिक रासायनिक परिस्थितियां चेंज हो गई, दूसरा मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन अलग अलग है तो वो एक बात हो गई, और इनसॉल्युबिलिटी, दोनों के अंदर अघुलनशीलता में परिवर्तन होने के कारण ये ग्रेन बनते हैं। ग्रेन होते क्या है बनते क्या है वो भी हमने पढ़ लिया। अब पोर्फिरिटिक टेक्सचर भी फर्दर और आगों में भागों में बांटेंगे, तीन भागों में, ठीक है। पहला हो गया था पोर्फिरिटिक, फिर पॉलीक्लिटिक, फिर इंटरग्रेनुलर, लेकिन पोर्फिरिटिक है फिर से भागों में। तो पहला है विटोफायरिटिक, विटोफायरिटिक, तो विटोफायरिटिक कहते हैं फिनोक्रिस्ट आर इनफ एनक्लोज, अगर फिनोक्रिस्ट है, फिनोक्रिस्ट मतलब जो बड़े ग्रेन है फिनोक्रिस्ट, एनक्लोज बाय ग्लासी मटेरियल, ग्लासी मटेरियल, ये ग्लासी मटेरियल से घिरे हुए सारे के सारे फिनोक्रिस्ट,
तो होगा विट्रोफायरेटिक। अगर सारे के सारे उससे घिरे हुए हैं, कांचीय पदार्थ से बना हुआ है, कांच ग्लासी मेटेरियल से बना हुआ है, जैसे ऑब्सीडियन टाइप की रॉक होती है ना, वैसे से घिरे हुए होते हैं, बड़े बड़े ग्रेन दिख रहे हैं, तो वो विट्रोफायरेटिक टेक्सचर हो गया। अब इसमें देखा तो ये एक एंडेसाइट है जो है ग्लासी ग्राउंड मास से घिरा हुआ है, ठीक है, एंडेसाइटिक का ये एग्जाम्पल है। फिर हो गया ये है पूरा का पूरा ग्लासी ग्राउंड मास से घिरा हुआ ग्रेन साइज। अगर कोई रॉक बड़े बड़े ग्रेन है लेकिन वो छोटे छोटे ग्रेनों से घिरे हुए हैं, बड़े बड़े ग्रेन, एक तो हो गया ग्लास से घिरा हुआ बिल्कुल क्लासी ग्लास से और छोटे छोटे ग्रेन से घिरे हुए हैं, तो उसको कहते हैं फेल्सोफायरेटिक। फिनोक्रिस आर एनक्लोज बाय क्रिप्टोक्रिस्टलाइन। क्रिप्टोक्रिस्टलाइन किसे कहते हैं? छोटी ग्रेन साइज ग्राउंड मास से घिरे हुए हैं, ये क्रिप्टोक्रिस्टलाइन ग्रेन साइज है, क्रिप्टोक्रिस्टलाइन ग्राउंड मास से घिरे हुए हैं, छोटे बड़े ग्रेन छोटे छोटे ग्रेन से घिरे हुए हैं, तो उसको कहते हैं फेल्सोफायरिक टाइप का ग्रेनुलर टेक्सचर, ठीक है। पहला था विट्रोफायरेटिक और ये है फेल्सोफायरेटिक, और तीसरा हो गया ये थोड़ा सा समझने लायक चीज है, अलग चीज बनी है जिसको कहते हैं ग्लोमर पोरफायरेटिक टेक्सचर। तो ये क्या होता है, फिनोक्रिस्ट जो बड़े बड़े जो थे आर अर्ली फॉर्मेड क्रिस्टल। फिनोक्रिस्ट मतलब बड़े क्रिस्टल जो पहले से बने हुए क्रिस्टल है, सच में भी ओलिविन पायरोक्सिप और टेल्जोप्लेन क्लब टुगेदर एक साथ आके जुड़ गए, ये पास में आके बैठ गए, जैसे ये यहां दिखा रहे हैं क्लब टुगेदर एक साथ आके जुड़ गए, फॉर्म एक डिस्टिंक्ट क्रिस्टल्स और क्रिस्टल एग्रीगेट बनाया, अलग क्रिस्टल एग्रीगेट इन्होंने बना दिया। पहले से बने हुए फिनोक्रिस्ट आपस में आके जुड़ गए और एक स्ट्रक्चर बनाया, तो उसको कहेंगे ग्लोमरो पोरफायरेटिक टेक्सचर, ठीक है। तो इस तरीके का ये एक और टेक्सचर होता है, ठीक है। पहला तो हो गया था विट्रोफायरेटिक, दूसरा फेल्सोफायरेटिक और तीसरा ग्लोमरो पोरफायरेटिक टेक्सचर। अब पोरफायरेटिक के तीन पढ़ लिए, अब तो वो पोरफायरेटिक है मतलब बड़े ग्रेन, पोरफायरेटिक हमने पढ़ लिया बड़ा ग्रेन घिरा हुआ होता है छोटे ग्रेन से या ग्राउंड मास से या पास पास में आ जाते हैं, तो तीन तरीके के बन गए, वो हो गया पोरफायरेटिक। अब एक और टेक्सचर होता है जिसको कहते हैं पॉइक्लीटिक टेक्सचर। क्या होता है पॉइक्लीटिक टेक्सचर? लार्ज ग्रेन एनक्लोज स्मॉलर मिनरल। इसमें तो बड़े बड़े ग्रेन थे और वो ग्लासी ग्राउंड मास से या फिर छोटे छोटे ग्रेन से घिरे हुए थे या एक दूसरे के आके ग्रेनोमोर्फोरेटिक टेक्सचर बना रहे थे, लेकिन इसमें जो बड़ा वाला क्रिस्टल है वो छोटे छोटे क्रिस्टल लेके बैठा है, एक बड़ा फिनोक्रिस्ट छोटे छोटे क्रिस्टल अपने अंदर लेके बैठा होता है, उसको एनक्लोज करके रखा तो पॉइक्लीटिक टेक्सचर बन गया। अब ये बड़ा सा लार्ज क्रिस्टल है उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल आ गए, तो ये पॉइक्लीटिक टेक्सचर हो गया। लार्ज क्रिस्टल और हाउस क्रिस्टल नॉन एज उसको कहते हैं ओइकोक्रिस्ट। ये जो बड़ा क्रिस्ट है इसको कहेंगे ओइकोक्रिस्ट, जो लार्ज क्रिस्टल है उसको कहेंगे ओइकोक्रिस्ट, इसको कहेंगे ग्राही क्रिस्टल मतलब जिसने ग्रहण कर लिया ग्राही क्रिस्टल। और दूसरा एनक्लोज जो घिरे हुए हैं उनको कहेंगे चार्डोक्रिस्ट कहेंगे, ये जो छोटे छोटे ग्रेन है उसको कहेंगे चार्डोक्रिस्ट कहेंगे। बड़ा क्रिस्ट हो गया ओइकोक्रिस्ट हो गया और जो छोटे छोटे हैं वो चार्डोक्रिस्ट हो गए, बड़े ग्रेन छोटे ग्रेन को लेके बैठे। अब भैया ये भी तीन टाइप का होता है, ये कह रहा भैया हम भी पीछे क्यों रहे हैं,
जब पोरफायरिटिक टेक्सचर तीन तरीके का होता है तो भैया हम पीछे क्यों रहे, तो हम भी तीन तरीके का हो जाएंगे, हो जाओ भैया तीन तरीके के, पढ़ लेंगे तुमको भी। तो पहला इसमें है ऑफिटिक टेक्सचर। ऑफिटिक टेक्सचर क्या होता है? इट इज द मोस्ट कॉमन टेक्सचर फाउंड इन फाइन टू मीडियम ग्रेन मेफिक रॉक, है ना, फाइन टू मीडियम ग्रेन मेफिक रॉक में मिलता है, जैसे डोलेरेटिक और बेसाल्ट में मिला है। मैंने तुम्हें पहले इसका फोटो बता दिया था, डोलेरेटिक रॉक क्या होती है। डोलेरेटिक रॉक एक ऐसी रॉक होती है जिसमें पेल्जियोक्लेज व्हाइट व्हाइट के पेल्जियोक्लेज फेल्सपार ग्लासी ग्राउंड मास में पाए जाते हैं, तो वो हो गई डोलेरेटिक रॉक। एक कैमरा चेक कर लेते हैं, है ना, तो इस तरीके से हो गया। तो दिस इज मोस्ट कॉमन टेक्सचर फाउंड इन मीडियम टू ग्रेन मेफिक रॉक में मिलता है, डोलेरेटिक और बेसाल्ट में मिलता है। अब ये दिखता कैसा है? माइक्रोस्कोपिक व्यू करें तो ऑगाइट एनक्लोज स्मॉल लेथ ऑफ पेल्जियोक्लेज, जो ऑगाइट है इसमें क्या होता है, जो ऑगाइट का ग्रेन है, ये है ऑगाइट ए यू जी आई टी ही एनक्लोज पेल्जियोक्लेज, इसमें ये पेल्जियोक्लेज की लेथ आ जाती है। तो ये हो गया ऑफिटिक टाइप का टेक्सचर हो जाता है। दूसरा हो जाता है सब ऑफिटिक टेक्सचर, उसमें क्या करते हैं, इसमें ऑगाइट ग्रेन छोटा है, उसमें ऑगाइट ग्रेन बड़ा था, इसमें ऑगाइट ग्रेन छोटा है, और ऑगाइट है वो पेल्जियोक्लेज के अंदर आ गया। जो ऑगाइट है वो ये छोटे छोटे, ये तो हो गए ऑगाइट, और ये बड़ा वाला ग्रेन है, ये हो गया पेल्जियोक्लेज, उल्टा हो गया, तो सब ऑफिटिक टेक्सचर हो गया। अब ये बनते क्यों है? ऑफिटिक टेक्सचर एंड सब ऑफिटिक टेक्सचर रिजल्ट ड्यू टू नियर साइमल्टेनियसली क्रिस्टलाइजेशन ऑफ पेल्जियोक्लेज और पाइरोजिन। अगर दो मिनरल एक साथ बन रहे हैं तो एक दूसरे के अंदर बेचारे घुस जाएंगे, साथ में क्रिस्टल हुए, क्रिस्टलाइज हुए, तो वो इस तरीके से ये ऑफिटिक और सब ऑफिटिक टेक्सचर बना है, क्योंकि ये साथ में डेवलप हुए हैं, ठीक है, साथ में डेवलप हुए हैं, तो ये बन गया। अब ये फोटो है, फोटो माइक्रोग्रेस का, सो पहला है वो ऑफिटिक टेक्सचर है, इसमें बिग प्लेट है, वो क्लाइनोपाइरोक्सिन है, और जो क्लाइनोपाइरोक्सिन है वो एनक्लोज करती है किसको, ऑगाइट को, सॉरी ऑगाइट है वो एनक्लोज करती है पेल्जियोक्लेज को, और ऑफिटिक में इसका उल्टा हो जाता है। अब क्या है, एक है पेन बोध रही है, हाइलोफैटिक टेक्सचर बनाती है पॉलीफिलेटिक टेक्सचर का तीसरा टाइप। ये सिमिलर टू ऑफिटिक टेक्सचर होता है, डिफरेंट इन दी डाइवर्स ओरिएंटेशन पेल्जियोक्लेज और का डाइवर्स मतलब अलग अलग ओरिएंटेशन हो जाता है, सराउंडेड बाय द ग्लास, और वो ग्लास से सराउंडेड हो जाता है, ग्लास से घिरे रहते हैं। तो ये इस तरीके का हाइलोफिरेटिक टाइप का टेक्सचर बन जाता है। अब इसका देखो, फोटो देखोगे तब आपको आएगा समझ में। दूसरे वर्ड में कहें तो हाइलोफिरेटिक टेक्सचर है इज वोल्केनिक रॉक विच आर ग्राउंड मास कंसिस्ट स्मॉल माइक्रोलाइट ऑफ फेल्सपार। ये देखो छोटे छोटे ग्राउंड मास है, गिरे हुए हैं ग्लासी मटेरियल से, तो इस तरीके से ये तीसरे तरीके का टेक्सचर बन गया है, जिसको हिंदी में कांच ऑफिटिक टेक्सचर नाम दे दिया है, होलो फायरिटिक टेक्सचर। भाई जो छोटे छोटे ग्रेन है वो उसे ग्लास से, सॉरी ग्लासी मटेरियल से घिरे हुए हैं। फिर इसमें लास्ट आ जाता है इन इक्विग्रेनुलर टेक्सचर में, वो है इंटरग्रेनुलर टेक्सचर। तो इंटरग्रेनुलर टेक्सचर क्या होता है, मैफिक रॉक लाइक बेसाल्ट। बेसाल्ट में क्या होता है, वेराइटी ऑफ टेक्सचर होती है डिपेंड ऑन विचुअल रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेन एंड ग्राउंड मास, तो अलग अलग तरीके के बनते हैं। इसमें क्या होता है, मेनली पेल्जियोक्लेज होता है, जो मैंने तुमको बताया था डोलेरेटिक में पेल्जियोक्लेज की लेथ बनती है, पाइरोक्सिन भी हो सकता है और ग्लास हो सकता है। The volcanic glass may be replaced by the secondary alternative product like paragonite. जो ग्लास है वो रिप्लेस हो सकता है पैरागोनाइट, एक तरीके का मिनरल है उससे। When the corner of random oriented pelagic layer touch each other,
फ्रॉम नेटवर्क, तो एक नेटवर्क बनाती है। पेल्जियो प्लेस के जो कॉर्नर है वो एक दूसरे को टच करके एक नेटवर्क बना देते हैं। अभी फोटो देख लेंगे समझ में आ जाएगा। तो पॉलीगोनल इंटरनल स्पेस फील्ड हो जाएंगे जिससे जो टेक्सचर बनेगा वो इंटरग्रेनुलर टेक्सचर बनेगा। ये इसका लास्ट है, आ गया इंटरग्रेनुलर टेक्सचर। व्हेन द इंटरलैप पॉलीगोनल स्पेस फील्ड बाय द ग्लास, ये जो बाकी बचा हुआ ग्लास से भर गया तो वो इंटरसेक्टरल इंटरसर्टल टेक्सचर कहलाता है। तो ये इसका फोटो हो गया, ये कैसे बनता है कि भाई इसके अंदर ये सीपीएक्स हो गया तो ये बाकी उस ग्राउंड मास से भर चुका है। ठीक है, पेल्जियो प्लेट लेयर है। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मेरे फोन की बैटरी लो है इसलिए मैं ये जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ, बाकी ये हो गया। तो कुल मिला के हमने पढ़ा कि पोरफिटिक टेक्सचर तीन टाइप के होते हैं, विट्रोफायरेटिक हो गया, फेल्सोफायरेटिक हो गया और ग्लोमॉर्फोफायरेटिक टाइप का हो गया। और पोरफिटिक टेक्सचर पॉइक्लिटिक टेक्सचर है वो भी दो तरीके का हो गया, ऑफिटिक सब ऑफिटिक और तीसरा हो गया हेलोफिटिक टेक्सचर और फिर हो गया इंटरग्रेनुलर टेक्सचर अलग लास्ट में हो गया। इसी के साथ तुम्हारा लेक्चर ये कंप्लीट होता है। जय हिंद जय भारत।